नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। ऑपरेशन पराक्रम के तहत एक बड़ी सफलता में SHO कंझावला के नेतृत्व में एक टीम ACP बेगमपुर की देखरेख और DCP रोहिणी की समग्र निगरानी में एक डकैती के मामले का तेजी से पर्दाफाश किया गया। PS कंझावला के कर्मियों के कुशल प्रयासों के परिणाम स्वरूप अपराध की सूचना मिलने के कुछ ही घंटों के बाद दो हताश लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। साहसी जोड़ी ने डकैती की थी जिनके तहत मामला दर्ज किया गया। चोरी हुआ पर्स जिसमें रुपए थे 4,000 रुपए और महत्वपूर्ण ID दस्तावेज एक लोडेड देसी कट्टा के साथ सफलतापूर्वक बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त टीम अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई एक चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस को भी बरामद करने में कामयाब रही। घटना तब सामने आई जब 21 अगस्त 2023 को एक PCR कॉल में बंदूक की नोक पर डकैती की सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित प्रक्रिया देते हुए संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की और जांच शुरू की। संदिग्धों को इलाके से भागने के लिए रोकने के लिए घटना की खबर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कंझावला पुलिस कर्मियों के बीच प्रसारित की गई। सतर्क गश्ती अधिकारी सिटी प्रवीण और सिटी करमबीर ने पंजाब खोर कंझावला के पास एक मोटरसाइकिल पर चेहरे ढके हुए दो व्यक्तियों को देखा। उनकी संलिप्तता का संदेह होने पर पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन संदिग्धों ने भागने का प्रयास किया। एक निर्धारित पीछा शुरू हुआ जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी में लोडेड देशी कट्टा और चोरी हुआ पर्स बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान 20 साल के उत्तम और 18 साल के नवीन के रूप में हुई है। दोनों खरखौदा हरियाणा के रहने वाले थे। आगे की जांच से पता चला कि उनके पास मौजूद मोटरसाइकिल के तहत PS सोनीपत सदर के अधिकार क्षेत्र से चोरी हुई थी। पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने डकैती में शामिल होने की बात कबूल कर ली। इसके बाद दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जांच जारी है। यह त्वरित समाधान अपराध से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में कंझावला पुलिस के समर्पण और दक्षता को दर्शाता है। चोरी की मोटरसाइकिल और लूटे गए पर्स सहित बरामद सामान गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। जांच जारी है, पुलिस अधिक जानकारी जुटाने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।